अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सुप्रभात सभी को एज वी ऑल आर अवेयर दैट वी आर रीडिंग द चैप्टर वुमेन चेंज द वर्ल्ड महिलाओं ने किस प्रकार से विश्व में बदलाव लाया और हमारे देश में इन पर्टिकुलरली क्या क्या चेंजेस लाए क्या बदलाव लाए इसमें हमने कई महिलाओं के एग्जाम्पल्स पढ़े जिन्होंने कितना स्ट्रगल किया शिक्षा को प्राप्त करने के लिए और उसके बाद बाकी महिलाओं के उत्थार के लिए भी उन्होंने काम किया अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लर्न दैट हाउ वुमेन प्ले मल्टीपल रोल्स हाउ वी हैव क्रिएटेड स्टीरो टाइप्स अबाउट वुमेन नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल बी लर्निंग हाउ दिस प्रेजेंट चेंजेस जो हमें बदलाव दिखते हैं अपने समाज में आस पास द गर्ल चाइल्ड्स आर नाउ बींग सेंट मोर एंड मोर गर्ल चाइल्ड्स आर नाउ बिंग सेंट टू गेट एजुकेशन अलॉन्ग विद बॉयज तो ये जो बदलाव आए हैं समाज में ये इतना आसान नहीं था असंख्य महिलाओं ने बहुत सारे प्रयास किए हैं तब जाकर ये चेंज हमें दिखा है परंतु तो अभी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है बदलाव की सो इफ़ यू टॉक अबाउट स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन अ लार्ज नंबर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011 थाउजेंड इलेवन देर इज द लार्ज डिफरेंस ऑफ अराउंड सेवेंटीन परसेंट इन द लिटरेसी रेट ऑफ़ फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल तो लगभग 17% का एक अंतर है फ़ीमेल्स और मेल्स के लिटरेसी रेट में फीमेल्स का लिटरेसी रेट है वो लगभग सत्रह परसेंट कम है एज़ कम्पेयर टू मेल्स सो द फीमेल लिटरेसी रेट इज़ अराउंड सिक्सटी फाइव परसेंट वाइल द मेल लिटरेसी रेट इज़ अराउंड एट्टी टू परसेंट ये डाटा कहाँ से आया दो हज़ार ग्यारह में जो हमने सेंसस कराया था तो कई बार बात आ रही है सेंसस की यह देख लेते हैं क्या होता है सेंसस या पॉपुलेशन सेंसस जनगणना जिसको आप बोलते हैं भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो पिछला सेंसस कब आया था 2011 में अगला सेंसस कब आने वाला है 2021 में अ सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज़ कंडक्टेड एवरी टेन ईयर्स इन इंडिया भारत में यह सेंसस हर दस साल बाद होता है इट कलेक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स डिटेल्स अबाउट डिफरेंट आस्पेक्ट्स लाइक लिटरेसी एज जेंडर ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा ये डाटा कलेक्ट करता है अलग अलग चीज़ों का जैसे कि शिक्षा जैसे कि उम्र जैसे जेंडर ऑक्युपेशन कितने लोग हैं एक परिवार में क्या काम कर रहे हैं उनके शिक्षा का स्तर क्या है उनकी इनकम कहाँ से आ रही है उनके पास कौन कौन से एसेट्स हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं किस जाति धर्म से बिलोंग करते हैं ऐसे बहुत सारा डाटा उनकी लाइफ के बारे में कलेक्ट करके ले जाते हैं उसका उसको कंपाइल करते हैं इकट्ठा करते हैं और देश के सामने रखते हैं वो डाटा जिससे हमें पता लगे कि हम अलग अलग स्तर पर कहाँ कहाँ पे हमने इंप्रूवमेंट किया और क्या क्या इंप्रूवमेंट किया है और किस किस प्लानिंग की आगे आने वाले सालों में आवश्यकता है तो अगर सेंसस के इतिहास की बात करें इफ़ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ द सेंसस द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 1872 एंड द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1881 तो अंग्रेज़ों ने ये काम हमारे देश में शुरू कराया 1872 में पहला ट्रायल हुआ उसके बाद 1881 में पहला कंप्लीट सेंसस हुआ पूरे देश का और जो पिछला सेंसस है लेटेस्ट वो कब हुआ दो में और अभी जो नया आने वाला है वो 2021। अकॉर्डिंग टू द सेंसेस ऑफ 1961, 15% ऑफ़ फीमेल्स व लिटरेट एज कम्पेयर टू 40% परसेंट मेल्स तो देखिए 1961 की बात कर रहे हैं ठीक है उसमें क्या बताया कि लगभग 50 साल पहले उसमें क्या बताने का प्रयास किया 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 50 साल पहले ठीक है तो उसमें क्या बताया कि 1961 में 15% परसेंट थी सिर्फ फीमेल लिटरेसी रेट जो बढ़ के 2011 में कितना हो गया 65 परसेंट और जो 40 परसेंट मेल लिटरेसी रेट था वो 2011 में बढ़ के कितना हो गया 42 टू परसेंट सॉरी एटी परसेंट तो ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स नाउ इफ यू टॉक अबाउट एनुअल ड्रॉप रेट तो क्या होता है ये एनुअल ड्रॉप रेट एनुअल ड्रॉप रेट होता है कि मान लेते हैं किसी क्लास में दस लोगों ने एडमिशन लिया ठीक है उसमें से अगर दो लोगों ने अपना नाम कटा लिया यानी कि स्कूलिंग पूरी करने से पहले उन्होंने स्कूल छोड़ दिया तो वो दो लोग क्या हो जाएंगे ड्रॉप आउट अगर आप इसको परसेंटेज के हिसाब से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये होगा बीस परसेंट ट्वेंटी परसेंट तो इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि कितने लोगों ने एडमिशन लिया और कितनों ने स्कूलिंग कम्प्लीट नहीं की द पीपल हु हैव नॉट कम्प्लीटेड देयर स्कूल आफ्टर बींग एडमिटेड टू अ स्कूल दैट इज़ नोन एज ड्रॉप आउट उसको हम ड्रॉप आउट कहते हैं तो देखिए एक डाटा है हमारे सामने जो कि 2018 का है मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ये डाटा है जिसमें परसेंटेज में फिगर्स दिए हुए हैं अगर बॉयज़ की बात करें और गर्ल्स की और टोटल ड्रॉप आउट्स की बात करें तो देखिए नाइन्थ टू टेंथ क्लास में लगभग सत्रह परसेंट टोटल ड्रॉप आउट है वहीं अगर एससी और एसटी कम्युनिटी की बात करें तो गर्ल्स में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आउट है नाइन्टीन परसेंट और एस्टीमेट ट्वेंटी फोर परसेंट गर्ल्स जो है वो ड्रॉप आउट रेट है यानी कि इतने परसेंट जो लड़कियां हैं और बॉयज़ हैं लड़के हैं वो स्कूल में एडमिशन लेने के बाद अपनी स्कूलिंग पूरी नहीं करते हैं सो एनुअल ड्रॉप आउट रेट या जो लिटरेसी रेट की बात करें इस टेबल से हमें ये पता लगता है कि जो एस सी और एस टी गर्ल्स हैं उनका रेट ड्रॉप आउट का यानी कि स्कूल छोड़ने का काफ़ी ज़्यादा हाई है एज़ कंपेयर्ड टू गर्ल्स ऑफ अदर कम्युनिटीज़ बाकी जो समुदाय हैं या जो सो कॉल्ड जनरल पीपल हैं जनरल कास्ट पीपल हैं दे जनरल कैटेगरी पीपल हैं देयर ड्रॉप आउट ऑफ गर्ल्स इज़ लो एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स ऑफ एस सी एंड एस टी कम्युनिटी दिस मीन्स दैट द गर्ल्स बिलोंगिंग टू एस सी एंड एस टी कम्युनिटी आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल इसका मतलब ये भी है कि जो एस सी एस टी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं गर्ल्स उनका स्कूल से स्कूल पूरा ना करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है देर आर सेवरल रीजन्स वाई चिल्ड्रन एंड पर्टिकुलरली गर्ल्स फ्रॉम द एस सी एस टी एंड मुस्लिम कम्युनिटी लीव स्कूल तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि क्यों गर्ल्स स्पेशली एस सी एस टी और मुस्लिम कम्युनिटी की ज़्यादा स्कूल को छोड़ती हैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करती हैं आइए कुछ कारणों को देखते हैं लो लिटरेसी लेवल और ड्रॉप आउट के कुछ कारण क्या हो सकते हैं उसके कुछ रीजन्स हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड प्रॉपर स्कूल्स पर्याप्त और सही ढंग से चलाए गए स्कूलों की कमी ऐसा बहुत सारे इलाकों में हमें देखने को मिलता है स्पेशली जो रिमोट एरियाज़ हैं या जो रूरल एरियाज़ है, हैं गांव देहात के इलाके हैं वहाँ पर आपको स्कूल्स की एक बहुत ज़्यादा कमी मिलेगी दूसरा लैक ऑफ रेगुलर एंड ट्रेंड टीचर्स ठीक है रेगुलर टीचर्स और प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं वो नहीं मिलते हैं ज़्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल या कुछ टाइम के लिए ही शिक्षकों उपलब्ध हो पाते हैं शिक्षक तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है एक तो स्कूल नहीं है और दूसरा अगर कहीं पर स्कूल भी हैं तो वहाँ पर शिक्षकों की उपलब्धता बहुत ही कम है लैक ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इफ़ द स्कूल्स आर फार ऑफ एंड इफ द स्कूल इज़ फार अवे फ्रॉम द विलेज और फ्रॉम द टाउन दैन द पीपल डोंट हैव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अंदर रीज़न इज मैनी फैमिलीज़ आर टू पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ़ एजुकेशन एक कारण यह भी है कि कुछ परिवार इतने गरीब हैं कि वो खर्चा नहीं उठा सकते हैं स्पेशली गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने का उनको लगता है कि जो गर्ल चाइल्ड है शिविल वन डे मैरी एंड गो टू समी एल्स होम

व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू तब सरकार क्या कर सकती है सरकार बहुत सारे कदम ले सकती है जिसमें से एक कदम की हम बात करेंगे दैट इज़ बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कैंपेन है ये हमारे प्रधानमंत्री ने दो में शुरू किया और इसको फॉर्मली यानी कि आधिकारिक रूप से लॉन्च किया दो में आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं अ कैम्पेन स्टार्टेड ऑन एलेवेंथ अक्टूबर टू थाउजेंड फोर्टीन बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी तो ग्यारह अक्टूबर दो हज़ार चौदह को उन्होंने एक भाषण में इस कैंपेन की शुरुआत की देश के लोगों से और महिलाओं से आह्वान किया कि हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम है जो सोच है उसके पीछे उसको आगे बढ़ाना है ये इसलिए कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं हमारे जिसमें फीमेल सेक्स रेशो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मेल्स फीन द नंबर ऑफ़ फीमेल्स आर वेरी लेस तो वहाँ पर फीमेल फिटिसाइड होता है कन्या भ्रूण हत्या उनको जम से पहले ही मार दिया जाता है या फिर जब वो बड़े होते हैं तो शिक्षा की जो ऑपरचुनिटीज़ हैं वो नहीं दी जाती हैं उनको सो टू इरेडिकेट ऑल सच प्रॉब्लम्स एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल्स अवर प्राइम मिनिस्टर हैज स्टार्टड दिस न्यू प्रोग्राम दैट इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो 11 अक्टूबर 2014 को उन्होंने एक भाषण में इसका उल्लेख किया ठीक है जिसमें वो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के उपलक्ष्य में बोल रहे थे ही कॉल्ड फॉर नेशनल वाइड नेशन वाइड मूवमेंट टू स्टॉप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड तो इससे हमें ये भी पता लगा कि 11 अक्टूबर को हम हर साल क्या मनाते हैं इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे द स्कीम वॉल वॉज लॉन्च्ड ऑन ट्वेंटी सेकेंड जनवरी टू थाउजेंड फिफ्टीन विद एन इनिशियल बजट ऑफ हंड्रेड करोड़ रुपीज़ तो बाईस जनवरी दो हज़ार पंद्रह को इस स्कीम को फॉर्मली लॉन्च किया गया आधिकारिक रूप से और स्टार्टिंग में सौ करोड़ से के अनुदान से कि फाइनेंशियल असिस्टेंस से इस योजना को जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं जैसे कि हरियाणा पंजाब डेली राजस्थान और सेंट्रल इंडिया जैसे मध्य प्रदेश इन स्टेट्स में इसको पहले शुरुआत की गई अब हम बात करेंगे वुमेंस मूवमेंट की तो अभी तक हमने ये बात की कि स्कूलिंग कैसे हो रही है लिटरेसी रेट कितना है क्या है उसके बाद ये जो इतना बदलाव हमने देखा इतने सालों में जो महिला आगे आ रही हैं अलग अलग फील्ड्स में और जितना उनको आज सम्मान मिल रहा है या जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है मौके मिल रहे हैं अपने टैलेंट को शो करने के वो हर समय ऐसा नहीं था तो बहुत सारी मूवमेंट आंदोलन करने पड़े महिलाओं को द सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ women इन द स्पेयर्स ऑफ एजुकेशन हेल्थ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस व हैज़ इम्प्रूव्ड बट दिस दिस चेंज हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली दिस चेंजेस हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली बट वुमेन हैव स्ट्रगल्ड इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली टू ब्रिंग द चेंजेस ये अचानक से नहीं हो गए हैं परंतु महिलाओं ने कई महिलाओं ने अकेले और कई महिलाओं ने एक समूह में बहुत सारा स्ट्रगल बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं स्ट्राइक्स किए हैं जस जिससे कि यह बदलाव आया है द डाइवर्सिटी डिटर्मिनेशन एंड पैशन हैव रिजल्टेड इन वीमेंस मूवमेंट तो ये जो आंदोलन किए गए इसकी वजह से महिलाओं ने अपने मूवमेंट्स को शुरू किया तो मूवमेंट में कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि रेजिंग अवेयरनेस लोगों में जागरूकता लाना ठीक है तो ये आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी महिलाएं मुखर होकर लिखती भी हैं दे पोस्ट ब्लॉग्स दे पोस्ट आर्टिकल्स एंड दे ट्राई टू मेक द वूमेन अवेयर अबाउट देयर राइट्स रेजिंग अवेयरनेस फॉर वुमेन्स राइट अमंग द सोसाइटी इट इज़ डन थ्रू स्ट्रीट प्लेज सॉन्ग्स पब्लिक मीटिंग्स एंड सोशल मीडिया नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन्स कैंपेन्स में क्या हो रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स हैव लेड बाय वुमेन हैव ब्रॉट मेजर चेंजेस जब आप इकट्ठा हो जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं अलग अलग जगहों पे मीटिंग्स करते हैं कुछ जो समस्याएं नई आती हैं पहले से होती हैं उनको दूर करने के लिए एक सरकार पे प्रेशर बनाने का प्रयास करते हैं या अपने लीडर्स पे जो रिप्रेजेंटेटिव आपने चुने हैं उसको कहते हैं कैंपेन कि बहुत सारी कैंपेन्स हमारे देश में हुई हैं उनमें से दो तीन प्रमुख कैंपेन्स की बात करेंगे सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ़ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इट केम इनटू फोर्स इन 2006 2005 में एक नया कानून पास किया गया जो 2006 में लागू हो पाया तो 2005 में जो कानून हमने पास किया वो था प्रोटेक्शन ऑफ़ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस तो घरेलू हिंसा जो कि हम बहुत सारे सीरियल्स में या टीवी वी चैनल पर अक्सर हमारे घर में या आस पड़ोस में देखते हैं कि महिलाओं के ख़िलाफ़ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है जो वायलेंस होती है वर्बल और फिज़िकल उससे और भी जो किसी भी प्रकार का की वायलेंस हो रही है महिलाओं के प्रति उससे बचाव के लिए ये कानून बनाया गया ताकि जो भी ऐसा कुछ करेगा महिलाओं के ख़िलाफ़ वायलेंस करेगा उसको दोषी मानते हुए कोर्ट में सज़ा होगी गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वूमेन अगेंस्ट सेक्शुअल हेरासमेंट एट वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन नाइन्टीन महिलाओं के को बचाने के लिए महिलाओं को अलग अलग प्रकार के प्रताड़ना से बचाने के लिए एक्सप्लाटेशन से बचाने के लिए और सेक्सुअल हेरासमेंट से बचाने के लिए सरकार ने 1997 में नई गाइडलाइंस लाई इसके अलावा द दा डावरी प्रोविजन एक्ट 1961 और इससे भी पहले दहेज विरोधी जो कानून है जो दहेज लेने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस होगा और उसके बाद उनको सज़ा होगी तो ऐसे समय समय पे महिलाओं को बचाने के और महिलाओं को बराबरी दिलाने के अधिकार के लिए बहुत सारे कानून हमारे देश में आए हैं नेक्स्ट इज प्रोटेस्टिंग सो वुमेन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉज विच एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट तो महिलाएं ऐसे प्रोटेस्ट ऐसे आंदोलन ऐसे विरोध प्रदर्शन करती हैं जिससे ऐसे कानूनों के खिलाफ जो उनके लिए ठीक नहीं है उनको इक्वालिटी से वंचित रखते हैं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं पब्लिक रैलीज डेमोन्स्ट्रेशन एंड रेजिंग स्लोगन आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेंस मूवमेंट तो प्रोटेस्ट किस किस प्रकार से कर सकते हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक रैलीज बाय डेमोन्स्ट्रेशन बाय रेजिंग स्लोगन्स नारे लगाकर और जो तख्तियाँ देखते हैं या चार्ट पेपर देखते हैं उस पर बड़े बड़े स्लोगन्स लिखे होते हैं इन सब के माध्यम से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रिपल तलाक इशू जो तीन तलाक का मुद्दा जो आज से दो तीन साल पहले काफ़ी सुर्खियों में था उसको सरकार ने संज्ञान में लिया एंड द गवर्नमेंट एज़ पाज द एंटी ट्रिपल तलाक लॉ तो इसके लिए एक कानून पास किया सरकार ने महिलाओं को इतनी महिलाओं की इतनी तकलीफ को देखते हुए नेक्स्ट इज शोइंग सोलिडारिटी इट मीन्स शोइंग सपोर्ट फॉर डिफरेंट वमन्स इशूज़ तो शोइंग सोलिडारिटी का मतलब होता है आप अपनी सहमति या फिर अपना विश्वास और अपनी सपोर्ट दिखाएं महिलाओं के जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने के पीछे अक्सर जो सोलिडारिटी कैम्पेन्स हैं वो कैंडल मार्च के रूप में ऑर्गेनाइज़ कराए जाते हैं या कोई मैराथन रन्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं इस तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराए जाते हैं ताकि आसपास के महिलाओं और समाज के अन्य लोगों में इंक्लूडिंग मेल्स ये अवेयरनेस आए कि महिलाओं को भी हमें बराबरी का अधिकार देना है जनरली दिस हैपन ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑन एट्थ मार्च सो वैन इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड इट इज़ ऑन एथ ऑफ मार्च एवरी ईयर कुछ नई टर्म्स भी हमने देखी जैसे कि वॉयलेशन, द ब्रेकिंग ऑफ अ लॉ और अ रूल किसी रूल या लॉ को तोड़ना क्या कहलाता है वॉयलेशन, सेक्शुअल हरासमेंट फिज़िकल और वर्बल मिसबिहेवियर ऑफ सेक्शुअल नेचर अगेंस्ट द वुमेन महिलाओं के प्रति फिजिकल या वर्बल यौन संबंधी जो समस्याएं हैं जो प्रॉब्लम्स है जो, प्रॉब्लम जो एक्सप्लोइटेशन है वो अगर कोई करता है तो उसको बोलते हैं सेक्शुअल हेरासमेंट आई होप यू अंडरस्टूड ऑल टॉपिक्स वेर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द असाइनमेंट पार्ट है वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन विच डेट्स आर द इंटरनेशनल वुमेंस डे एंड इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड किस तारीख को इंटरनेशनल वुमेंस डे और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है क्वेश्चन नंबर टू एक शॉर्ट नोट लिखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन पर कब शुरू हुआ कितने फंड से शुरू हुआ क्यों शुरू हुआ ये सारी बातें उसमें आप लिखें क्वेश्चन नंबर थ्री वट आर द डिफरेंट वेज़ यूज बाय वुमेन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन टू फाइट फॉर देयर राइट्स कौन कौन से तरीके महिलाएं अक्सर अपनाती हैं अपने खिलाफ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करने के लिए एंड क्वेश्चन नंबर फोर लिस्ट द रीजन्स वाई गर्ल चाइल्ड इज डिनाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन इन सम कम्युनिटीज कुछ ऐसे कारण बताएं जिससे गर्ल चाइल्ड जो है उनको शिक्षा देने शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया जाता है स्पेशली कुछ कम्युनिटीज जैसे कि एस सी एस टी और मुस्लिम्स में आई होप यू अंडरस्टूड ऑल टॉपिक्स वेल इफ द वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव प्लीज़ लाइक इट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन विच वी हैव डिसकस्ड गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस थ्रू योर कमेंट्स सो दैट i can make further improvement in the coming videos and subscribe to my channel for latest information on the upcoming informative videos thank you and have a nice day